कि क्या कोई सवाल हो तो आप पूछो। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा पंजाब में? मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की ओर से, और सूबे का अगला मुख्यमंत्री जो होगा उसका नाम पार्टी बहुत जल्द आपको बताएगी भी। मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब की जनता में से कोई होगा, आ जाओ जी, आ जाओ। कुर्सी की लड़ाई अभी से शुरू हो गई। मैं फिर से बोल देता हूँ, मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब से होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जिसे पंजाब की जनता, जिस पे पंजाब की जनता को नाज हो, जिसे पंजाब की जनता सर आँखों पे भी बिठाएगी, उसे प्यार भी करेगी, और वो पंजाब की आन बान और शान होगा। पिछले चुनाव के समय, चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बात चल रही थी, लेकिन आप ज्यादा बता सकते हैं बेहतर के क्या कारण रहे अभी, क्या क्योंकि अभी वो कांग्रेस में हैं, एमएलए हैं, लेकिन पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो उसके उनके बारे में क्या आपका देखिए पार्टी कंसीडर कर रही है? मैं उनसे संपर्क की कोशिश की, ये हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नवजोत सिंह सिद्धू जी को अपनी पार्टी में लाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या वो हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। हमारे हाँ या ना कहने की बात तो तब आती है जब वो ये बता दें। राघव जी, पिछली बार क्या हुआ था, क्यों नहीं आए नवजोत सिंह सिद्धू, ये बता दें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, और मैं किसी व्यक्ति विशेष, यहाँ से मेरे ख्याल में 300 मीटर दूर है घर। नहीं, मैं आपसे मैं यही बोलने वाला था, मैं यही बोलना चाह रहा था। सवाल, हाँ, जो सरकार बनाती है, वो सरकार बनाती है कानून, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सीएम हो, तो आपने जो कानून लागू किया था उस पे मैं आज पहले ये खत्म कर दूं, फिर मैं इस पे जवाब दूंगा। मैं ये सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, उनका घर यहां से 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे है, मैं यही हूं, आप जाकर एक बार उनसे पूछ लीजिए और फिर मैं सारे जवाब दे दूंगा। सर, पंजाब के प्रभारी आप? नहीं, देखिए, हमारा ये आपने दावा पार्टी किया का है कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी, पार्टी का तो ये मानना है। जो चेहरे हैं पार्टी चाहेगी नहीं कि ऐसे चेहरे हमारे पार्टी प्रभारी बने, आप मुझे बता रहे 10-15 मिनट का रास्ता, आपको भी पता, आप जाके बात। नहीं नहीं, ठीक है ठीक, मैं पार्टी का ये मानना है, मेरा ये मानना है, हम सबका ये मानना है कि जिस व्यक्ति के दिल में पंजाब प्रायोरिटी है, जिसके लिए पंजाब प्राथमिकता है, उस व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है। हमारा तो ये शुरू से कहना है कि सब अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, 10 सेकंड लूँगा। जब महाभारत शुरू हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच जब लड़ाई शुरू होने लगी थी, तो पांडवों के मुखिया युधिष्ठिर ने शंख बजाया और कहा कि मेरी ओर से, मेरी फौज में कोई ऐसा व्यक्ति अगर खड़ा है जिसे लगता है कि सत्य मेरे साथ नहीं है, सत्य सामने वाले के साथ है, तो वो इस समय मेरी फौज छोड़कर सामने वाले के पास जा सकता है, जंग शुरू होने वाली है। और कौरवों की तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई योद्धा खड़ा है जिसे लगता है कि सत्य मेरे साथ है, वो अभी समय है कौरवों की फौज छोड़कर मेरी फौज में आ जाए, उसका मैं स्वागत करता हूँ। उस समय भी कौरवों का एक भाई जिसका नाम था युयुत्सु, वो कौरवों को छोड़ के पांडवों में आ गया। तो कहने की बात यह है, इस मंच से भी हम सबको, जो व्यक्ति पंजाब को प्राथमिकता देता है, जिसका दिल पंजाब के लिए धड़कता है, उसको आमंत्रित करते हैं। लेकिन जहां तक आप एक व्यक्ति विशेष का सवाल पूछ रहे हैं, सिद्धू साहब का सवाल पूछ रहे हैं, यह सवाल उस समय एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं रहेगा, आज हाइपोथेटिकल सवाल है। जिस समय वो ये कहें कि वो आना चाहते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा, मैं अभी यही हूं, आप जरूर पूछ के आइएगा, मैं जवाब दूंगा। आपका जो सवाल था मैं उस पर बता देता हूं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रपोज किया गया कानून
और देश की पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में लागू हो जाता है। किसी राज्य सरकार के पास उसे लागू करने की या लागू होने से रोकने की शक्ति नहीं होती है। अगर ऐसा होता, मान लेते हैं, फर्ज करिए कि किसी राज्य सरकार के पास यह शक्ति है कि इस कानून को लागू होने से रोक सकती है, तो आज पंजाब के हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान दिल्ली में ना होते, वो कैप्टन साहब के महल के बाहर बैठे होते और बोल रहे होते, कैप्टन साहब इन तीन काले कानूनों को लागू मत होने देना। समय एक उदाहरण दे देता हूं, समय ज्यादा नहीं मैं, मैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं, मैं बता, मैं जवाब दे रहा हूं। किसान जब मैं तब आ पाए आप मैं जवाब मैं जवाब जब किसान चल रहा मैं जवाब दे रहा हूं मैं सर 5 जून को ऑर्डिनेंस आया था, 7 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कर दी थी। आपको पता 7 जून को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी हरपाल चीमा जी के घर पे, कि बहुत खतरनाक कानून पर ऑर्डिनेंस जो कैबिनेट में आ गया उस पर साइन हो गए। उसके बाद जितने भी उन्होंने कॉल दिए किसानों ने, चाहे वो ट्रैक्टर मार्च हो, चाहे वो चक्का जाम हो, हमने उनका साथ दिया। आप कैसे कह सकते हैं समय ज़्यादा हो गया? आपने खुल के कब आया? अभी आप वहाँ पे साथ नहीं है जहाँ साथ पे किसानों की बात करते हैं। मैं बता देता हूँ, 7 जून को सब तो ज्यादा, 7 जून नहीं, 7 जून ने साफ किया सब तो। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने जवाब दे रहा हूँ, मैंने जवाब दे रहा हूँ। अच्छा मैं दे रहा हूँ, कम हो रही है वीर जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो। देखो सितंबर में जुलाई हमने, मैं आप ही कम हो रही सब है, तो मैं सिद्धू बॉर्डर पे वोटिंग करके हमारे साथ, मैं अभी उसी का बता रहा हूं। हम आपकी बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसी की बात। देखिए सबसे ज्यादा अगर विरोध किसी पार्टी ने देश की संसद में किया इन तीन काले कानूनों का, तो वो आम आदमी पार्टी थी। हमारे सांसद हैं भगवंत मान जी, हमारे सांसद हैं संजय सिंह जी, जिन्होंने राज्यसभा और पार्लियामेंट का जो अध्यक्ष होता है उसका माइक तक उखाड़ दिया, जो पूरी रात संसद भवन के प्रांगण में महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है उसके नीचे सोए और इन तीन काले कानूनों का विरोध किया। हमारे विधायक सारे पंजाब के विधानसभा में सोए। सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी पार्टी ने किया तो वो आम आदमी पार्टी ने किया, और सबसे ज्यादा धोखा अगर देश के किसान को किसी ने दिया है तो वो कैप्टन अमरिंदर ने दिया है। मैं आज आपसे पूछता हूं, कैप्टन साहब दिल्ली आए, अमित शाह से मिले, अभी दिल्ली आ गए अपना महल छोड़कर, लेकिन देश के किसान से नहीं मिले। किसान वहीं बैठे थे, किसानों से मिल लेते 5 मिनट, होता है ना कुछ, नहीं मिले, होता है ना पुत्र मोह। अब वही कह रहा हूं, पुत्र मोह जो आपने शब्द का आपने यूज किया, आज अगर पुत्र मोह इतना ज्यादा हो गया कि पंजाब पीछे हो गया, पंजाब की भलाई पीछे हो गई, पंजाब की खुशहाली पीछे हो गई, और केवल पुत्र मोह, केवल अपने बच्चे को बचाने कि आपकी जो लड़ाई है वो आगे हो गई, तो फिर क्या बचा? फिर तो पंजाब की जनता ने देख लिया। एक एक संसद को क्या कहेंगे, संसद को क्या कहेंगे जहां पे कानून पास हुआ? अब भी संसद है, देखो संसद को, देखो देखो पार्लियामेंट मोदी जी चलाते नहीं है, पार्लियामेंट तो हम तो एक विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे थे कि एक दिन का विशेष सत्र बुला लो और तीनों कानून रद्द कर दो। नहीं बुलाते नहीं, कहते कोरोना बहुत वायलेंट है। हाँ बंगाल में रैलियां करते समय कोरोना साइलेंट है, तो हमारे पास तरीका क्या है फिर? प्रधानमंत्री को मिलने का, प्रधानमंत्री के सामने अपना विरोध जताने का तरीका क्या है? तरीका वही था जो मैंने 25 तारीख को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि, जब जन्म हमने उनका श्रद्धांजलि समारोह खराब नहीं किया, इसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री बुक रिलीज करने लगे तो हमने अपना विरोध जता दिया। और क्या कर सकते हैं, जीतते तो है नहीं। सर जेड़े जेड़ा वो है ना, वो बहुत कमाल की चीज है, जेड़ा
पंचायतों वालों मते पाए जाते हैं। कल कोई भी धिर जी है वो सुप्रीम कोर्ट के लैके जाऊगी इस मामले में, तो वो कानून जड़े ने जो मते पाए गए ने बहुत ज्यादा काम आने के। सर मैं कोई गिनती करने वास्ते नहीं किया, लगभग हजार तो उपर तो मेरे कले मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। ठीक है जी, वकील साहब ने चीमा साहब इन्हों पता है कि उनकी कितनी कानूनी वैधता की। आपने कैप्टन साहब की बात की, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद जंतर मंतर पे भी एक आंदोलन कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि कैप्टन साहब दिल्ली जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, वहां से किसानों को नहीं मिलते, लेकिन उनके सांसद कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए वहाँ पे सर्दी में जो है सड़क के किनारे पे सो रहे हैं। उनके सांसद और उनकी पूरी पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। आज अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकता हुआ देख वो इस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं। ये ढोंग है और कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नौबत ही नहीं आती? कैप्टन साहब अगर अगस्त 2019 में बता देते मीटिंग से निकलकर कि ये तीन काले कानून आने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ, तो हो सकता है तीन काले कानून नहीं आते। लेकिन कैप्टन साहब ने ये तीन काले कानून बनाने वाली कमेटी में अपनी सहमति दर्ज कराई। इससे बड़ा धोखा मुझे लगता नहीं पंजाब की जनता से हो सकता। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आपको कहा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने महल से नहीं निकलता, जो केवल राजशाही के फायदे ले रहा है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने एक वादा पूरा नहीं किया, कहा था 4 हफ्तों में नशा खत्म कर दूंगा, पंजाब के हर घर में नौकरी दूंगा, कर्जा खुरकी माफ करूंगा, ना जाने क्या क्या कहा था, वादे नहीं पूरे करे, चलो कोई नहीं बात करेंगे जब चुनाव आएगा। लेकिन आज आपने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा भोंक दिया वो तीन काले कानून। मैं तो कहता हूं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, हम तो शुरू से ही कहते हैं कि मोदी की सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है, इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। लेकिन कैप्टन साहब ने क्यों कर दिया ऐसा? कैप्टन साहब ने क्यों पंजाब की जनता की पीठ में छुरा भोंका? मैं तो आज कहता हूं कैप्टन साहब उन तीन काले कानूनों के जननी हैं, उन्होंने इन तीन काले कानूनों को जन्म दिया है। आज पंजाब की आवाम उनसे सवाल पूछती है। एक और चर्चा है कि जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था उसमें से केजरीवाल निकले थे, और अब भी किसान आंदोलन से भी कई नेता जो निकल सकते, तो क्या वही अब आम आदमी पार्टी कहीं ऐसी प्लानिंग में तो नहीं? देखिए, हम ना ही इस पाक साफ आंदोलन को राजनीति से जोड़ते हैं और ना ही इस पाक साफ आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सर, आपका 2022 का जो आपने पूछ लिया, एक बार इनसे फिर आ जाओ। 2022 का मिशन आज वफद है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को मिला और उन्होंने मांग की सेंट्रल फोर्सेस लगाई जाए जो यहां पर अब इलेक्शंस होंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस को सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए, भाजपा और मोदी सरकार वो सरकार है जिसका मुझे लगता है सुपड़ा साफ हो गया है पंजाब में, और अब चुनावों से भागने की ओर, कि चुनाव ना हो या चुनाव उनके हक में नहीं जा रहा, वो इस ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, इस प्रकार के बहानेबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसका कुछ संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्या मांगे चुनावों को लेकर? आपको लगता है कि सुरक्षा नहीं, हमारी इस प्रकार की ऐसी कोई मांग नहीं। आपके आम आदमी पार्टी जब नगर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, सभी लड़ेगी इस बार, पिछली बार बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल। उसका सर मकसद ये तो नहीं कि आप 2022 से पहले अपना आधार जांचना चाहते हैं कि हम कहां पहुंचे? देखिए, 2022 की जहां तक बात है ना, मैंने आपको बड़ा एक सटीक सरल सिंपल सा विश्लेषण दिया, एनालिसिस दिया है। अगर आज पंजाब की जनता को किसी पार्टी की ओर देखना हो तो मुझे बताइए कौन सी पार्टी की ओर देखी? 2017 में भी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही थी पंजाब की जनता, खत्म कर लेने थी। लेकिन बड़े लोग छोड़ के चले गए नेता आम आदमी, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इतने महत्वाकांक्षी हो गए, नवजोत सिंह सिद्धू से भी बात चली, बात सिरे नहीं चली, तब आम आदमी पार्टी की बहुत वेव थी। इस बार जो लगता है कि उतनी मैं जवाब दे देता। देखिए, सबसे पहले तो पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करती है,
दिलों मोहब्बत कर दिए। और जहां तक 2017 के चुनाव की बात है, पहली बार हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और पहली बार ही पंजाब की जनता ने हमें सर आंखों पे बिठाया, सेवा का मौका दिया और मुख्य विपक्ष प्रिंसिपल ऑपोजिशन हमें बना दिया। ये कहीं होता नहीं है, किसी राज्य में नहीं होता कि चार साल पुरानी पार्टी को सीधी इतने बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उस समय हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। आज पंजाब की जनता देख रही है कि हाँ, पाँच साल इन लोगों ने ठीक जिम्मेदारी निभाई है, विपक्ष अच्छा रहा इनका। अब ये लोग परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए हैं, अब इन लोगों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल में मिलता है ना, तो 16 साल में चुनाव लड़ा तो विपक्ष मिले, अब 18 साल में लड़ रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। चुनाव जीते हैं। यहाँ पे केजरीवाल जी की वाइफ जो यहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर रही हैं, केजरीवाल जी का यहाँ पे आना जाना रहा है। तो दूसरी बात यह है कि पंजाब, दिल्ली दिखा के अपने पंजाब में इस बार वोट मांगेंगे आप, या सारे कैंपेन समय आने पर सबका खुलासा करेंगे आपके सामने, एक एक कैंपेन आपके सामने एक एक कैंपेन। आपको जानकर बहुत खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी। जब 2014 में सबसे पहले जीता था तो पूरे 1.5 साल तक राघव, मैं इनके साथ खूब काम किया है, मेरे साथ खूब काम किया, मेरे पीए के तौर पर खूब काम, और आने वाले समय में करेंगे। सरकार बन गई तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के साथ दिल्ली, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, दिल्ली का बजट यही बनाता है। ऐसे बच्चे जब आगे आएंगे तो अच्छा है। नहीं देखिए, ये अच्छा सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। देखिए, हमें बहुत शिकायतें मिली सिंघू बॉर्डर से कि वहां पर हो सकता है शायद जान के मोदी सरकार ने या खट्टर सरकार ने सिग्नल कम कर दिए, फोन में जेड़ा थोड़ा नेटवर्क उसको कम कर दिया कि भैया जनता से बात ना कर पाए, अपने घर बात ना कर पाए, अपने बीवी से बात, अपने बच्चे से बात ना कर पाए। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल वहाँ पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे। मैं खुद कल परसों जाकर वहाँ पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवा कर आया हूँ, ताकि पूरा दिन आंदोलन करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद, कम से कम देश का किसान, हमारा पंजाब का नौजवान अपने घर अपनी बूढ़ी माँ को एक वीडियो कॉल तो कर सके, अपनी बीवी को एक फ़ोन तो कर सके, अपने बच्चों को लोरी सुनाकर वीडियो कॉल के माध्यम से सुला सके। ये सोच के साथ हमने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट हर जगह लगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ।